पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। भारत और चीन सीमा विवाद में भारत के रवैये पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़ा किया। विपक्षी पार्टियों ने मौजूदा सरकार की असहजता और चीन द्वारा भारत को लेकर अपनाए गए कड़े रुख को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। जहां पहले केंद्र की मोदी सरकार ने यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने प्रवेश किया है, वहीं अब सरकार आधिकारिक रूप से चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में प्रवेश करने की बात को स्वीकार कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में करीब एक महीने से जारी सैन्य तनातनी पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना बड़ी तादाद में प्रवेश कर गई है, वहीं भारत ने भी चीनी सैनिकों से मोर्चा लेना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय और चीनी सैन्य अफसरों के बीच बैठक अब 6 जून को होनी है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी मौजूदा स्थिति से किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं लेगा। अब सरकार कितनी ही बातें क्यों न कर ले, लेकिन चीनी रवैये से यह लगता है कि भारत सरकार कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर बातचीत करके सीमा विवाद को सुलझाने में विफल साबित हुई है। जब रक्षा मंत्री से लद्दाख के बारे में पूछा गया कि चीन वहां तक आ गया है जिसे वह अपना मानता है लेकिन भारतीय उसे अपना मानते हैं, तब जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा, दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग आ भी गए हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो कुछ करना चाहिए भारत ने भी किया है। रक्षा मंत्री का यह बयान इस बात की साफ साफ पुष्टि करता है कि भारत चीन के बीच सीमा जिसे LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं के पार पूर्वी लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र की भारतीय सीमा में बड़ी तादाद में चीनी सैनिक घुस आए हैं। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह कहना कि जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने किया सरकार की बेबसी को दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को भारतीय क्षेत्र के गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो झील पर चीनी सैनिकों ने डेरा डाल दिया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद में तेजी देखी जा सकती है। 2017 में डोकलाम विवाद हुआ जिसे सुलझा लिया गया। चीनी सैनिकों द्वारा बार बार सीमा में इस प्रकार की हरकत मौजूदा सरकार की चीन को असहजता को दिखाता है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि सरकार चीन के साथ विवाद सुलझाने में पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाई है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।